नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि विपक्षी एकता के नाम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों और सपा कार्यकर्ताओं को संगठित कर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। रही बात विपक्ष के गठबंधन इंडिया की, तो बहुत मजबूत है यह गठबंधन। विपक्षी एकता के नए नाम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कल से मैंने पूर्वांचल का दौरा शुरू किया है। संगठन को मजबूत और समाजवादियों को इकट्ठा कर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी को हराया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है, यह जो बीजेपी की चाल है हम उसे सफल नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र यादव के चुनाव में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह कहना गलत है। जल्द ही जिले में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अखिलेश यादव के चाचा और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि फिलहाल जो भी पार्टी के लोग हैं सबको एकजुट किया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को भगा दिया जाएगा। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसलिए वह यहां आए हैं और सभी को, चाहे जो भी हो, सबको एकजुट किया जाएगा। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि 2024 में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचने देना है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए संगठित और मजबूत होना होगा।